हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सूरज कुमार मौर्य, वेलकम टू अव्यान आई एस अकेडमी। आज हम बात करेंगे थर्मोमेट्री के बारे में कि थर्मोमेट्री हमारी होती क्या है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। थर्मोमेट्री, देखो थर्मोमेट्री होती है आपकी मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर यानी हम यहां पे टेम्परेचर को मेजरमेंट करेंगे, यानी मेजर करेंगे टेम्परेचर को, यानी तापमान को नापेंगे। कुल मिला के देखा जाए क्या करेंगे हम यहां पे, ताप मान को मापेंगे, मापना, तापमान को मापेंगे। देखो अगर हमें थर्मोमेट्री के बारे में जानना है तो थर्मोमेट्री को जानने के लिए हमें इसके स्केल्स के बारे में जानना पड़ेगा कि जो टेम्परेचर होता है हम उसको कैसे कैसे या किस स्केल की मदद से हम उसको नाप सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो टेम्परेचर को नापने के लिए बहुत सारे स्केल्स हैं, लेकिन हम आज पर्टिकुलर 5 स्केल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे जो पहले स्केल है जिससे हम टेम्परेचर को नाप सकते हैं, देखो टेम्परेचर को नापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्केल्स यूज करते हैं, स्केल्स जिससे हम टेम्परेचर को माप सकते हैं यानी नाप सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम टेम्परेचर को नापना चाहते हैं तो सबसे पहले हम बेसिकली हम आज जो बात करने वाले हैं 5 स्केल्स के बारे में बात करेंगे। उसके अंदर सबसे जो पहला स्केल है वो होता है हमारा डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस जो सबसे पहला स्केल है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। जो सेकंड स्केल है वह है हमारा केल्विन, केल्विन जिसको हम के से भी नोट करते हैं। तीसरा है हमारा फारेनहाइट, फारेनहाइट। चौथा स्केल है हमारा रैंकाइन, और पांचवा स्केल है हमारा र्यूमर। पांचों स्केल हमारा र्यूमर, ये 5 स्केल है बेसिकली जिसके बारे में आज हमें बात करेंगे। देखिए 5 स्केल में बात करते हैं कि हमारे ये स्केल की मदद से हम कैसे टेम्परेचर को नाप सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है अगर हम बात करें जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर की अगर हम बात करें यानी सबसे जो लोएस्ट होता है यानी सबसे जो कम होता है, तो डिग्री सेल्सियस में होता है हमारा माइनस का 273.15, केल्विन में होता है हमारा 0, फारेनहाइट में होता है हमारा माइनस का 459.67, और रैंकाइन में होता है हमारा 0, और र्यूमर में होता है हमारा माइनस में 218.52। ये हमारा सबसे नीचे वाला टेम्परेचर यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। अगर हम बात करें आइस पॉइंट की, आइस पॉइंट या बोल दो फ्रीजिंग पॉइंट, ये वाला टेम्परेचर होता है हमारा डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में होता है हमारा 273.15 केल्विन, और फारेनहाइट में होता है हमारा 32 फारेनहाइट, और रैंकाइन में होता हमारा ये 491.67 रैंकाइन। और अगर हम बात करें
इसकी, तो इसमें होता है हमारा र्यूमर में जीरो। और हम बात करें किसके बारे में, आइस पॉइंट के बाद आता है हमारा यहाँ स्टीम पॉइंट, या बोलो बॉइलिंग पॉइंट, स्टीम पॉइंट। तो ये होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में होता है हमारा 373.15 केल्विन। फैरनहाइट में होता है हमारा 212 फैरनहाइट। और रेनकाइन में होता है हमारा 671.67 रेनकाइन। और ह्यूमन में होता है हमारा 80। अब देखिए हम बात करते हैं कि हम टेम्परेचर नापते कैसे हैं। तो देखो यहां तो हमें ये पता चल गया कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है हमारा डिग्री सेल्सियस माइनस का 273.15, केल्विन होता है हमारा 0, फैरनहाइट में होता है हमारा माइनस का 459.67, और रेनकाइन में होता है 0, और ह्यूमन में होता है हमारा माइनस का 218.52। और आइस पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 273.15 केल्विन, 32 फैरनहाइट और 491.67 रेनकाइन और 0 ह्यूमन। ये हमारा होता है इनका आइस पॉइंट। अगर हम स्टीम पॉइंट की बात करें तो डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 373.15 केल्विन, फेरेनहाइट में 212 फेरेनहाइट और रेनकाइन में 671.67 रेनकाइन। और अगर हम बात करें र्यूमर में तो र्यूमर में होता हमारा 80 र्यूमर। अब बात करते हैं कि हम यहां से किसी भी टेम्परेचर को नापेंगे कैसे। तो देखिए, तो अगर किसी भी टेम्परेचर को अगर नापना है हमें, यानी हमें क्या करना है, कोई भी टेम्परेचर ऑब्टेन करना है, तो हमारा एक बेसिकली फॉर्मूला होता है। जैसे हमें कोई भी टेम्परेचर निकालना है, तो हम मान लेते हैं हमारा क्या है, ऑब्टेन टेम्परेचर जो हमें निकालना है, ऑब्टेन टेम्परेचर माइनस में आइस पॉइंट, बाय में डिफरेंस बिटवीन स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट, या बोल सकते हो आप स्टीम पॉइंट माइनस में आइस पॉइंट, इक्वल में होता है हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट ये हमारा बेसिकली क्या है, हमारा फॉर्मूला है, जिसकी वजह से हम जितने भी हैं सबके आपस में बीच का रिलेशन निकालेंगे और हम जानेंगे कैसे बाकी फॉर्मूले निकले और एक दो सॉल्व करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्मूला हमारा कैसे जनरेट होगा। तो देखो, ऑप्टेनिंग टेम्परेचर, तो ऑप्टेनिंग टेम्परेचर जैसे मान लेते हैं हमें कोई टेम्परेचर ऑप्टेन करना है डिग्री सेल्सियस में, तो उसको मान लेते हैं हम डिग्री सेल्सियस। हमें ये वाला टेम्परेचर निकालना है यहाँ पे। केल्विन में मान लेते हैं हमें केल्विन निकालना है, जो टेम्परेचर निकालना है हमें नहीं पता। फैरनहाइट में हमें फैरनहाइट में निकालना है एक टेम्परेचर, और रेनकाइन में हमें एक रेनकाइन में निकालना है, ठीक है। यानी जो जिस स्केल में जो टेम्परेचर हमें निकालना है, मैंने वही लेट कर लिया। जैसे रेनकाइन में निकालना है तो जो हमें टेम्परेचर निकालना है जो हमें पता नहीं है उसको मैंने रेनकाइन मान लिया, और र्यूमर में निकालना है तो उसे हम र्यूमर ही मान लेते हैं, र्यूमर। ये हमारा बेसिकली हमने लेट कर लिया सबको, ऑप्टेनिंग टेम्परेचर। ये हमारे सारे के सारे क्या कहलाएंगे, हमारे ऑप्टेनिंग टेम्परेचर सारे, यहां से लेकर ये सारे हमें सब ऑप्टेन करना है, ऑप्टेनिंग टेम्परेचर, ये सब हमें निकालना है, ऑप्टेनिंग टेम्परेचर। अब देखिए हमें क्या करना है आगे। हमें सबसे पहले ऑप्टेन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, हमारा ऑप्टेन टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस, तो हम यहां पर लिख लेते हैं डिग्री सेल्सियस माइनस में आइस पॉइंट का 0, तो 0 बाय में हमारा स्टीम पॉइंट का 100, तो 100 माइनस में आइस पॉइंट का 0। तो पहला हमारा बन गया ऑप्टेन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, आइस पॉइंट 0, स्टीम पॉइंट 100, आइस पॉइंट 0। ऐसे सेम किस्सा हमारा किसके साथ, कांस्टेंट है तो ऐसे जितने भी स्केल हैं सबके साथ चलता रहेगा। तो दूसरा हमारा केल्विन, तो केल्विन के साथ भी हमारा क्या है, ऑप्टेनिंग जो टेम्परेचर है हमारा यहाँ पे केल्विन, तो ऑप्टेन टेम्परेचर आ गया हमारा केल्विन, यानी के माइनस में इसका हमारा आइस पॉइंट 273.15 बाय में इसका हमारा स्टीम पॉइंट है 373.15 माइनस में 273.15 इसका है आइस पॉइंट, तो होगा हमारा केल्विन। इसी तरह हमारा बनेगा फेरनहाइट का,
तो फ़ारेनहाइट में हमें ऑक्टेन टेम्परेचर जो निकालना है वो हमारा फ़ारेनहाइट है, तो फ़ारेनहाइट माइनस में इसका हमारा जो स्टीम पॉइंट है या फ्रीजिंग पॉइंट वो हमारा है 32 बाय में स्टीम पॉइंट 212 माइनस में आइस पॉइंट हमारा 32। ऐसे सेम हम इसका निकालेंगे रैंकाइन का, तो इसका है हमारा रैंकाइन माइनस में 491.67 है इसका हमारा आइस पॉइंट, और इसका 671.67 माइनस में 491.67 ये हमारा रैंकाइन के लिए। उसके बाद है हमारा र्यूमर, तो र्यूमर के लिए हमारा आएगा र्यूमर माइनस में इसका हमारा आइस पॉइंट 0 स्टीम पॉइंट 80 माइनस में आइस पॉइंट 0। तो ये बेसिकली हमारे टेम्परेचर के लिए रिलेशन है एक दूसरे के बीच में। अगर हमें कोई से भी टेम्परेचर निकालना है किसी भी स्केल के अंदर तो हम ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, फिर से रिपीट कर देता हूँ, ऑब्टेनिंग टेम्परेचर माइनस में आइस पॉइंट बाय में स्टीम पॉइंट माइनस में आइस पॉइंट। यहाँ मैंने हर एक का ऑब्टेनिंग टेम्परेचर रखा है, जैसे डिग्री सेल्सियस है ये निकालना था तो डिग्री सेल्सियस माइनस में स्टीम आइस पॉइंट है हमारा 0 तो आइस पॉइंट आपका 0, फिर स्टीम पॉइंट 100 है तो स्टीम पॉइंट 100, और फिर आइस पॉइंट 0 है तो आइस पॉइंट 0। अगर हम बात करें ऐसी फ़ारेनहाइट की, तो फ़ारेनहाइट वेल ऑफ टेम्परेचर हमें निकालना है फ़ारेनहाइट का, तो हमने रखा है फ़ारेनहाइट का फ़ारेनहाइट। उसके बाद इसका आइस पॉइंट है 32 तो हमने 32 रखा, और इसका स्टीम पॉइंट 212 है तो 212 माइनस में आइस पॉइंट यानी 32। इस तरह हमने सबके लिए लिख लिया। अब देखिए हम इससे हम आगे के कैसे फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं जो तुम्हारी बुकों में लिखे हुए हैं, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर इसका स्क्रीनशॉट लें तो ले लो, देखो अगर हमें जैसे रिलेशन निकालना है किसके किससे किसके बीच का, जैसे हमें मान लेते हैं रिलेशन निकालना है फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच का, बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, यानी कहने मतलब है रिलेशनशिप तो हमारा पहले से निकल गया है, लेकिन एक स्मॉल टाइप फॉर्मूला जो हम डायरेक्ट पुट कर सकें, छोटा फॉर्मूला इसके और इसके बीच में जो तुम्हारे बुकों में भी लिखा रहता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे हमें पता है कि इन दोनों की इक्वेशन जो लिखी गई है वह डिग्री सेल्सियस माइनस में 0, फिर 100 माइनस में 0 इक्वल में फ़ारेनहाइट माइनस में 32 बाय में 212 माइनस में 32, तो हमारा आ जाएगा डिग्री सेल्सियस बाय में 100 इक्वल में एफ यानी फ़ारेनहाइट माइनस में 32 बाय में 212 को 32 से माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 180 आ गया हमारा। अब देखिए यहाँ 0 से 0 गया, 25 जा 10, 29 जा 18, तो हमारा है डिग्री सेल्सियस बाय में 5 इक्वल में फ़ारेनहाइट माइनस में 32 बाय में 9। तो ये वाला रिलेशनशिप आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर ये नहीं पढ़ा तो ये वाला पढ़ा होगा। अगर हम बात करें इसका और थोड़ा आगे जाएं तो या तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि भाई डिग्री सेल्सियस बाय 5 इक्वल में एफ माइनस 39 बाय में 9, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर हमें निकालना है फ़ारेनहाइट तो फ़ारेनहाइट को ही रहने दो, 9 यहाँ डिवाइड में है वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यानी हो गया हमारा 9 बाई 5 डिग्री सेल्सियस माइनस का 32 है, माइनस का 32 वहाँ जाके हो जाएगा प्लस का 32, प्लस का 32, ये हमने 9 में पढ़ा था इन दोनों बीच का रिलेशनशिप, तो ये फॉर्मूला ही हो गया हमारा। या अगर हमें निकालना है किसके बीच में, मान लेते हमें निकालना है केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच में, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन के बीच में अगर मेरे को इसके बीच में निकालना है तो हमारा क्या होगा, डिग्री सेल्सियस बाय में 100 लिख देता हूँ क्योंकि 0 0 कुछ होता नहीं है, तो हमारा डिग्री सेल्सियस बाय में 100 इक्वल में केल्विन माइनस में 273.15 बाय में 373.15 माइनस में 273.15। अगर हम इसको माइनस करें तो हमारा आएगा कितना, 100 डिग्री सेल्सियस बाय में 100 इक्वल में केल्विन माइनस 273.15 बाय में 100, तो ओवरऑल कितना आ गया हमारा, ये कट गया इससे, यानी डिग्री सेल्सियस इक्वल में
केल्विन माइनस में 273.15, ये हमारा क्या हो गया, इन दोनों के बीच का रिलेशन होगा। यानी हम ये भी कर सकते हैं। अब देखिए बाकी के रिलेशनशिप निकालते हैं, फिर एक तो सॉल्व करते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब हम निकालेंगे डिग्री सेल्सियस और रैंकाई के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। तो देखिए हमारा जो रिलेशनशिप निकले बाकी के, नेक्स्ट हमारा अगर हम निकालें रैंकाई और डिग्री सेल्सियस के बीच में रिलेशन एंड डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो देखो क्या होगा। हमें पता है जो हमारा डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस बाय में क्या है हमारा 100, और रैंकाइन हमें दे रखा है -491.67 बाय में 671.67 माइनस में 491.67। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा डिग्री सेल्सियस बाय में 100 इक्वल में रैंकाइन माइनस में 491.67 बाय में 180। अब यहाँ पे सेम आ गया जैसे यहाँ था, हम इसको काट रहे थे तो हमारा आया था 5/9, मतलब 5 और 9 आया था, डिग्री सेल्सियस बाय 5 और रैंकाइन माइनस 491.67 बाय में 9। तो अगर हमें यहाँ से रैंकाइन निकालना है तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा आर ए यानी रैंकाइन इक्वल में 9 यहाँ डिवाइड में वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी को 9/5 इंटू में डिग्री सेल्सियस, माइनस वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा तो 491.67। तो ये हमारे दोनों के बीच का रिलेशन है। तो यहाँ पे हमारा निकला फेनाइट के बीच का रिलेशन एफ इक्वल में 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। यहाँ हमारा निकला डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच का रिलेशन, डिग्री सेल्सियस इक्वल में केल्विन माइनस में 273.15, और हमारा यहाँ पे निकला रैंकाइन और डिग्री सेल्सियस के बीच का रिलेशन, ये रैंकाइन इक्वल में 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 491.67। तो ये तो हो गया हमारे इन तीनों के। अगर हम बात करें र्यूमर का, तो र्यूमर का हमारा क्या होगा, तो अगर हम र्यूमर के निकालें र्यूमर और डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो वही सेम डिग्री सेल्सियस बाय में 100, 0.0 हटा दिया, यहां से 0.0 हटाओ तो रैंकाइन और सॉरी र्यूमर बाय में 80, 0.0 गया, 2/5 = 10, 2/4 = 8, तो हमारा आ गया कितना, अगर मुझे र्यूमर निकालना है तो हमारा हो जाएगा 4/4 में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4/5 इंटू में डिग्री सेल्सियस। तो हमारा निकल गया डिग्री सेल्सियस का इन चारों के साथ रिलेशनशिप निकल गया, क्या हमें डिग्री सेल्सियस दे रखा है तो हम र्यूमर कैसे निकालेंगे, ठीक है। और अगर हमें यहाँ से केल्विन निकालना है तो यहाँ जाके प्लस में हो जाएगा माइनस में 273.15, ठीक है। और फेनहाइट निकालना है तो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस में 32, और हमारा अगर रैंकाइन निकालना है तो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 491.67। तो बेसिकली हमारे चार फॉर्मूले बन गए यहाँ से, और भी जनरेट कर सकते हो जितने चाहो उतने, तुम्हारा मेन है कि इसको याद करना है आपको। अब देखो एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, पहले इन सबके यहाँ पे लिख लेते हैं रिलेशंस, फिर एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, डायरेक्ट पुट करेंगे वैल्यू, डायरेक्ट निकालेंगे। तो देखो हमारा इन सबका जो फॉर्मूले निकले हैं, अगर हमें डिग्री सेल्सियस दे रखा है तो सबसे पहले हमारा निकला था फेनहाइट निकालना हमें, तो फेनहाइट का फॉर्मूला निकला हमारा 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। अगर हमें रैंकाइन निकालना है तो इसका फॉर्मूला निकला हमारा 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 491.67, ठीक है। और अगर हमें र्यूमर निकालना है तो इसका फॉर्मूला निकला हमारा 4/5 इंटू में डिग्री सेल्सियस, और अगर हमें केल्विन निकालना है तो निकला हमारा डिग्री सेल्सियस प्लस में 273.15, ठीक है। ये सारा हमारा क्या है, रिलेशन है हमारा डिग्री सेल्सियस का जो हमने जनरेट किया अभी। अब देखो जैसे मान लेते हैं हमें सवाल दे रखा है कि हमें किसी भी ह्यूमन बॉडी का
टेम्परेचर दे रखा है या हमें रूम टेम्परेचर दे रखा है, तो अगर हमें डिग्री सेल्सियस दे रखा है तो हम बाकी में कैसे निकालेंगे? देखिए, तो हमारा सबसे पहले बात करेंगे हम, जैसे मान लेते हैं हमें ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर दे रखा है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर अगर हमें दे रखा है वो होता हमारा डिग्री सेल्सियस में 37, चलिए यहीं लिख देते हैं, वो होता हमारा 37 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मैंने नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर लिख दिया, कोई नहीं, ठीक है। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है हमारा? 37 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, तो अगर हमें को फैन एट में निकालना है, तो फैन एट इक्वल में होगा हमारा 9/5 इंटू में डिग्री सेल्सियस प्लस में 32, वैल्यू पुट कर दो तो फैन एट इक्वल में 9/5 इंटू में 37 प्लस में 32, यानी फैन एट हो गया हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 7 9 63 6 9 3 27 23 6 33, तो हमारा आएगा 3333/5 प्लस में 32, तो हमारा आएगा फैन एट में 333 प्लस में एलसीएम लिया हमने तो हमारा 165 को किया 32 से मल्टीप्लाई, वहाँ मन मान लो तो 160 और 5 आया हमारे यहाँ पे, तो ओवरऑल हमारा आंसर हो गया यहाँ पे 3 6039 493.5, तो इक्वल में आ गया हमारा 5 9 45, फिर बचेगा हमारा 4, फिर बचेगा 8 6 98.6 फैरनहाइट 493। अगर हम इसको फैरनहाइट में निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा 98.6। वैसे अगर हम इसमें निकालें, किसमें? डिग्री सेल्सियस में निकालें, अगर हम निकालते हैं इसको मतलब केल्विन में निकालें, डिग्री सेल्सियस दे रखा है तो कितना आएगा? तो देखें, अगर हमें केल्विन में निकालना है तो हमारा फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस प्लस में 273.15, तो हमारा हो जाएगा केल्विन इक्वल में 37 प्लस में 273.15, तो केल्विन आ गया हमारा 310.15। तो केल्विन की बात हो गई, ये तो लॉजिक सिंपल था। अब बात करते हैं, ये तो हमारा केल्विन हो गया, फैरनहाइट में हो गया, अगर हम बात करें इसकी रूमर में, तो रूमर में हमारा क्या होगा? रूमर होता है हमारा 4/5 इंटू में होगा डिग्री सेल्सियस, तो 4/5 इंटू में कितना 37, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 4 7 28, कैर गया 2, 4 3 12, 12 2 14 बाय 5, तो हमारा रूमर आ गया हमारा 5 2 10, बचेगा 4, 48 हो गया, 5 9 45, बचेगा 3 0, 5 6 30, 29.6। अब बात करते हैं अगर हमें निकालना है रैंकाइन में, तो रैंकाइन होता हमारा आर ए नॉट इक्वल में 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 491.67, तो हमारा आएगा आर ए नॉट यानी रैंकाइन इक्वल में 9/5 प्लस में, सॉरी मल्टीप्लाई में 37 प्लस में 491.67, तो हमारा आ गया आंसर फाइनली रैंकाइन इक्वल में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया तो हमारा आया था 333/5, 333/5 प्लस में 491.67, इसको डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा आ जाएगा 5 6 30, फिर 3 बचा, फिर 5 6 30, फिर 3 बचा, फिर पॉइंट लगा, फिर 5 6 30, यानी 66.6 प्लस में 491.67, तो हमारा ओवरऑल आंसर आएगा 7 6 12,
कैरी का वन, यहाँ पॉइंट लगा, सिक्स और वन हो गया सेवन, और ये कैरी था यानी एट, फिर सिक्स और नाइन फिफ्टीन, फिर क्या है कैरी, फिर फोर और वन फाइव, यानी हो गया हमारा 55.27। तो ये हमारा निकला रैंक टाइम। तो देखो जैसे हमने यहाँ पे ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे रखा था, हमने इसको फैरनहाइट में निकाला, कितना है हमारा 98.6, केल्विन निकाला 310.15 आया, फिर हमने रूमर में निकाला तो 229.6 आया, और रेनकैन में निकाला 558.27 आया। तो इस तरह हम किसी में भी निकाल सकते हैं, मतलब कोई भी टेम्परेचर हमें दे रखा है, और अगर हमें किसी और यूनिट में निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। अब देखो वैसे हमारा अभी इस साल पेपर हुआ था तो दो क्वेश्चन आए थे हमारे एनडीए में। पहला क्वेश्चन आया था हमारा, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जो हमारा फैरनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों में इक्वल है, तो टेम्परेचर होता है हमारा माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस जो होता है हमारा, ये हमारे इक्वल होता है हमारा माइनस का 40 फैरनहाइट के बराबर। अभी हम देखेंगे कैसे होता है। और दूसरा आया था हमारा कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बताना था डिग्री सेल्सियस में। तो देखो डिग्री सेल्सियस अभी मैंने लिखवाया था, जब स्केल बनाया था तो मैंने सबके एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखवाए थे। डिग्री सेल्सियस का था हमारा माइनस का 273.15 जो हमारा डिग्री सेल्सियस का था एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन का था जीरो, और तुम्हारा फैरनहाइट का था माइनस का 459.67, और तुम्हारा रूमर का, तो रूमर का जो हमारा था माइनस का 218.52, और तुम्हारा रैंकाइन का था जीरो। यहां पे लिख देता हूं दोबारा से, चलो स्टार्टिंग दे रखा है। देखो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो हमारा यहां पे दिया है माइनस का 273, जो हमें क्वेश्चन पूछा गया, सीधा उसकी बात करते हैं डिग्री सेल्सियस में। तो देखो हमारे पास दो सवाल आए थे इस बार एनडीए में। पहला जो सवाल था कि कौन सा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में और फैरनहाइट में सेम होता है, तो डिग्री सेल्सियस में होता है हमारा माइनस 40, तो फैरनहाइट में क्या होता है माइनस 40। और दूसरा क्वेश्चन आया था हमारा कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है डिग्री सेल्सियस में, तो उसका आंसर क्या था हमारा माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों क्वेश्चन आए थे। तो हम पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा क्यों आया, क्यों होता है, थोड़ी सी यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते हैं आंसर आ जाएगा। तो देखो अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें, अगर हमें माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस दे रखा है तो फैरनहाइट में कितना होगा, माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस हमें दे रखा है तो हमें फैरनहाइट में निकालना है, तो क्या होगा, तो देखो फैरनहाइट इक्वल में 9/5 इंटू में माइनस का 40 प्लस में 32, इसको सॉल्व करो, 5 हिट जा 40 माइनस का 8 आया, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 72, फिर प्लस में 32, तो हमारा आंसर फाइनली बना फैरनहाइट इक्वल में माइनस का 40। तो यानी जो टेम्परेचर आपका डिग्री सेल्सियस माइनस का 40 होता है वही टेम्परेचर आपका फैरनहाइट में भी क्या होता है माइनस का 40। तो ये हमारा क्या था जो आज का टॉपिक था हमारा थर्मोमेट्री। तो हमारा यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है, मैंने थर्मोमेट्री बता दिया क्या होता है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, और मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर कैसे करते हैं स्केल की मदद से। मैंने 5 स्केल के बारे में बताया, उनके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में बताया, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट के बारे में बताया, और उनके मैंने फॉर्मूलों के बीच का रिलेशनशिप बताया, ठीक है, जो कि हमारा क्या होता है ऑप्टेन टेम्परेचर माइनस आइस पॉइंट बाय में स्टीम पॉइंट माइनस में आइस पॉइंट इक्वल में कांस्टेंट। इससे हमने इन सबके बीच का रिलेशन निकाल लिया, और इस रिलेशन की मदद से हमने इन सबके बीच की क्या निकाली जो हमारा एक्चुअल फॉर्मूले होते हैं वो निकाली, और उससे हमने कुछ एक दो क्वेश्चन किए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी जो जो मैंने पढ़ाया टेम्परेचर के बारे में, ठीक है कि हम कैसे नापते हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड अब कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो या कुछ भी जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या और अगर आपको टॉपिक समझ आया हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, धन्यवाद।